इसीलिए आप मुझे बुला रहे थे यार, कल से बुला रहे थे, कल से। तो फ्रेंड ये पापा मेरे लिए गिफ्ट लेके रखे हुए थे दो दिन से, ये और एक ही टी शर्ट है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। हम नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सही है, तो मैं फिर इंतजाम हो गया आज के पहनने का। हम लोग सोचे बैठ के क्या पहनेंगे। मैं वो पहनूंगी जो भाभी ने दिया था, ऋतु कुमार वाले हैं। नाजा खाने बनाया स्पेशली। फ्रेंड्स अभी मैं आपसे डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ, और आज हम जा रहे हैं सारा के बर्थडे डिनर पे। भाई भाभी लेके जा रहे हैं, भाभी यहाँ से लेके जा रही है, भाई वहाँ से ज्वाइन करेंगे, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। सनी भी रेडी हो चुके हैं, सब लोग बैठ गए, भाभी लोग पापा लोग दूसरी कार में निकल चुके हैं। यहाँ पे है सनी, नाजा खाला, अम्मी और ये तीनों पीछे। अरे वाह, बर्थडे गर्ल, तीनों आ गए हैं, तीनों लड़ भी रहे हैं। ये थोड़ा सा सफर है, गुजर जाएगा। एक ट्रक खरीदना पड़ेगा। तुमने बर्थडे में दिया था, नेल्स लगा लिए। आइए टीचर, अब तुम हो किस चीज की टीचर वो नहीं पता, मैथ्स की, इंसानियत की। चलो भैया सारा बर्थडे गर्ल लुक तो दिखा दो। नाइस माया मुसाफिर, चलो बैठो। कितना अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा आपको दिखाओ। यहाँ पे अरेंजमेंट कितना अच्छा है। केक है ये? नहीं नहीं, ये वो आर्टिफिशियल है। नहीं शालू, सच में केक आर्टिफिशियल है। एक्सक्यूज मी, ये आर्टिफिशियल है ना? देखा, मैं हमेशा सही होती हूँ। हेल्दी डाइट फूड खाओ, यहाँ पर आके कुछ अनहेल्दी नहीं खाना, ये खाओ। भाभी लोग हमसे पहले निकली थी लेकिन अभी तक आई नहीं है, तो चलो अभी हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, और हम लोग पहले से देख ले रहे हैं हमें क्या खाना है। बहुत मीठा, देखो मिनी बर्गर है। इतनी यूनिटी है इस फैमिली में कि जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। एक ने बोला वॉशरूम तो पूरे फैमिली को वॉशरूम आ गई। आप देखो ऐसी मोहब्बत। हाँ सेंसर लाइट लगी हुई है फ्रेंड्स यहाँ पे। इतनी अच्छी तो कमरे भी नहीं बनेंगे हम लोगों के। काला पत्थर होना चाहिए, मम्मी कह रही है काला वो होना चाहिए कि गंदा ना दिखे। हाँ। लेकिन काली मतलब पील दिखेगा। तुम सही बताओ, वो ना दिखेगा, बुरा दिखे, बुरा दिखे। पानी डालता है, पानी पूरी के बिना सब अधूरा अधूरा है। हम खाना स्टार्ट करते हैं, बहुत भूख लगती है। सबसे पहले लेते हैं सैलेड, टोमेटो माय फेवरेट, मिर्ची माय एक्स्ट्रा फेवरेट, अम्मी के पत्ते। फ्रेंड्स पत्ते उठाने का चम्मच कितना अच्छा है। सैलेड खाओगी क्या अम्मी के लिए? ये तो मेथी की भाजी है, अंग्रेजों की मेथी की भाजी। सारे लोग फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं, सबने खाना भी स्टार्ट कर दिया है। नाजा खाला यहाँ पे अपने लिए कुछ निकाल रही है। यहाँ पे मैं पापा को कह रही हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, वहाँ पे भाभी रूहान को खाना खिला रही थी। बस हम सब ने यहाँ पे डिनर किया जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके बाद भाई का रिहर्सल था, भाई चला गया, सारा का केक कटिंग हुआ, और उसके बाद बस फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। चलो भाई सब लोग बैठ गए। चलो अब सनी अनबॉक्स कर रहे हैं सौरभ का गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे ब्रो, ब्रो सो स्वीट। अरे खोलो भी, क्या है देखने दो। ओ भाई अच्छा यार, ये अल्लाह लिखा है इन सबके बर्थडे खत्म। अब दो चार महीने बर्थडे होना नहीं चाहिए किसी। मतलब सबको ऐसा लगता है कि बर्थडे बर्थडे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जब हमारी फैमिली इतनी बड़ी है तो बर्थडे तो होंगे ही ना। हाँ बंटी का आएगा, भाई भाभी की एनिवर्सरी, आंटी का बर्थडे, मम्मी का अप्रैल में, पापा का जून में, जून में रूहान का। इतनी देर बर्थडे की बात होती रही तो मम्मी कह रही सबका है, नाचा खाला का नहीं है। करीला नाचा खाला का भी कोई एक डेट रख दे। फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताओ नाचा खाला का बर्थडे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कौन सी तारीख को हमें रखना चाहिए। ये नई नई बातें कर रहे, आप कह रहे वहाँ पे बेटी खाला सोचेगी, फिर अम्मा सोचेगी। नाचा खाला, बेटी खाला, अम्मा, इनका एक दिन रख दे। 7 अप्रैल को इन चारों का रख दो, आवा का, अम्मी का, नाचा खाला का, अम्मा का। नेटफ्लिक्स देख के एंजॉय करते हैं। यहाँ पे रेहान है और बेचारी रिजा पढ़ाई कर रही है। देखें कौन सी, ये नहीं समझ में आ रहा है। बाय, द नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेडी जाने के लिए। आमिर खान का दामाद ऐसे शादी में जा सकता है, तुम तो मॉल जा ही सकते हो। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, जो करना कर दिया उसने, खुद को खुशी मिल रही है ना उसे, तो बस वही। और जो तुम्हारा दिल करे वो करो, अच्छा मतलब बुरा नहीं। ये है तो रिहान की बहन।
बहुत दिनों बाद ऐसे इकट्ठा हुए हैं, फिर ऐसा बिजी हो जाएगी एग्जाम में, फिर सारा चली जाएगी, फिर कुछ ना कुछ लगा रहेगा, तो हमने सोचा चलो एक बार कुछ घूम के आते हैं। और सारा को बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिया है, तो कहीं से वहाँ पे कुछ पसंद आएगा तो वो भी दिला देंगे सबके। आप लोग भी देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। मुझे तो अम्मी ने ऐसे स्टिच करा के रखा था तो मैंने वही पहन लिया है। रिजा भी देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और ये सबके जीजू सनी जीजू जो कि थोड़े कैजुअल हैं। और एक रेहान का भी तो देख लो। अल्लाह हाफिज़। आज फ्रेंड्स हम लोग चल रहे हैं एक नए मॉल, हम लोग के लिए नया क्योंकि हमने नहीं देखा है। तो वो सुना है बहुत हाई फाई मॉल है, तो आपको भी दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल। ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, तुम कमाओ तुम भी इंशाल्लाह लेना, ठीक है। हाँ बताइए, वो पर्पल गाड़ी खरीद सकते हैं आप, पिंक नहीं करा सकते। लेकिन वो लैम्बोर्गिनी है भाई। क्या हुआ, लैम्बोर्गिनी है, कम थोड़ी ना किसी से। बहुत अच्छा, ये बात तो सही है तुम्हारा। अच्छा है ना, कैसा लगा मॉल? कैसा लग रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं देखा, बहुत अच्छा फील आ रहा है, लेकिन फील बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए फोटो के लिए आप कॉस्ट्यूम लेके आओ यहाँ पर, लेकिन इतना खाली है कि लग ही नहीं रहा है कि मॉल ऐसा लग रहा है। एयरपोर्ट में भी ऐसा लगता है ना, सुबह सुबह जाओ तो। दुबई जाओगे ना तब देखना। मम्मा मियाँ और अब्बा दादी दादा खाला खालू सब हो जाएगा। दुनिया तुम्हें याद रखेगी कि तुम वो लड़की हो कि जो एस्केलेटर से नहीं जाती हो। दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम अभी यहीं पे हो। याद तो रखेगी, तुम अभी यहीं पे हो। पता है ये मॉल का मुझे सबसे अच्छा फील क्या लग रहा है? गोल्डन कलर बहुत यूज किया है। तो भैया ने बता दिया, अब लगी है बहुत तेज भूख, सबसे पहले खाएंगे उसके बाद। लेकिन उस टाइप का नहीं, वो कैफे होगा यहाँ पे, आपको कोई वो छोले अबे नहीं मिलेंगे। कुछ बिस्किट मिलेगा, स्नैक्स मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। चलो तो मैं यहाँ से जो लेना है तो ले लो, ले लो डियोर से। ज्यादा कुछ नहीं, एक डेढ़ दो लाख का बैग आएगा। चार रुपए का भी नहीं लेना। रेहान तुम यहाँ से ले सकते हो चल के। नहीं नहीं ले लो, अभी ये टाइम नहीं है। फ्रेंड्स कैफे बहुत प्यारा लग रहा है, हम लोग यहाँ चलते हैं। यहाँ पास खाली घूमने आओ भाई, कुछ लियो नहीं, बहुत महंगा है यहाँ पे। कितने अच्छे बैग्स है ना। रिजा कह रही है बैग्स इतने दूर दूर क्यों रखे हैं? मैंने बोला पहले इतने बिक जाए वही बड़ी बात है। सनी ढूंढते हुए घूम रहा है कहीं कुछ खाने को दिख जाए। चलो टी लाउंज है सेकंड फ्लोर पे, तो चलते हैं। रेहान पता है सनी आज ये वाले मॉल क्यों लेके आए? क्योंकि वो मुझे आज कोई बहुत ही बड़े ब्रांड से शॉपिंग कराने वाले हैं। ये झूठ सफेद झूठ कुछ नहीं कराने वाला मुझे। क्या लेना है तुम्हें? तुम्हारे पास सब कुछ तो है। आज तो अभी हम आ गए यहाँ के टी लाउंज और यहाँ पे चल के हम लोग कुछ खाने पीने का देखते हैं। वैसे मेन्यू हमने देख लिया है, काफी देसी। तो मेरे लिए टेबल सेट हो गई, अभी हम चलते हैं। वाओ फ्रेंड्स फील ही अलग है। तुम लोग क्या खा रहे हो? चाट भेलपुरी सैंडविच। और ये कितना अच्छा, देखो ऊपर सारू। ये इतना सुकून भी है, प्लस ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं। चिकन सैंडविच एंड गुलाब जामुन सैंडविच और कोल्ड कॉफी। मेरा भी सैंडविच, तुमने मेरा ही बोल दिया। तो फ्रेंड्स सब लोग गई हैं वहाँ कहीं सामने घूमने और हमारा यहाँ पे आ गया है कॉफी और इनकी कोल्ड कॉफी। स्टार्ट करते हैं, उन लोग जब आएंगे तो फिर अपना देख लेंगे। इन लोगों का सैंडविच भी आ गया है। कैसे है? बहुत अच्छी है। सारा ये तुम्हारे सैंडविच में आया, ये भी खाना है, पैसे में ये भी इंक्लूडेड है। ये चटनी सैंडविच है, अंदर इसमें कुछ भी नहीं है, टेस्ट है। हाँ तो ये भी खा लो, ये देखो। अब हम आपसे मिलते हैं खा के। ये बेस्ट है फ्रेंड्स, क्रोजो बहुत ही बेस्ट है। कॉफी एंड क्रोजो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ये क्रोजो इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट। खाना पीना हो चुका है, अब निकलते हैं बाहर और जाते हैं कोई और मॉल, वहाँ से करेंगे शॉपिंग। फ्रेंड्स वॉशरूम जाने का रास्ता भी आप देख रहे हैं कितना अच्छा बनाया, लग रहा है कोई कोई नई जगह जा रहे हैं। ये हैंड वॉश के लिए है ना, हैंड वॉश कर लेते हैं। सैंटा को मेल कर दो, ऐसा कुछ चाहिए तो। अब तो गया सिर्फ। देखो हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे वेलकम। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ से निकल गए, अब चलते हैं दूसरे वाले मॉल में। यहाँ से निकल रहे थे फ्रेंड्स मॉल जाने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे राइट साइड में कुछ दिखा एग्जीबिशन टाइप, तो चलिए एक बार देख के आते हैं। उर्दू का कुछ है फ्रेंड्स, उर्दू की बुक्स का एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पे बांद्रा में, और ये 14 जन तक लगा रहेगा। अरे ये तो मेले जैसा फील है ना, भोपाल उत्सव मेला। अरे अभी इतना बड़ा लगा है शालू अप्पी, नहीं क्या लिखा ख्याल है यार ना। फ्रेंड्स यहाँ पे दिलकश शायरी वाली बुक भी मिल गई है, सब बहुत अच्छी शायरी आपको रोज रोज सुनाऊंगी। कुछ नई चीज देख के फ्रेंड्स आज अच्छा लगा। तो हम आगे भी मुंबई में कुछ कुछ एग्जीबिशन होते रहते हैं, पता नहीं चलते लेकिन होंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग चला करेंगे।
सारा क्या गिफ्ट चाहिए जल्दी से बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी आ गए फ्रेंड्स हम लोग लाइफ स्टाइल में और यहाँ से हम दिला रहे हैं सारा को कुछ, देखते वो क्या पसंद करती है। टाइटन में देखते हैं ठीक है, पर बहुत सिंपल लग रही है। बच्चों के लिए दिलाओ ना, वो अच्छी वॉच दिलाओ ना, ये कैसे दिला रही हूँ। उसको चेन वाली चाहिए, स्पोर्ट्स देख लेते हैं। बड़ी यार अच्छी लग रही है मुझे, ये जी शॉक की है। ठीक है अब ये देख लिया, अब दूसरा भी देख लो। सारा कलेक्शन में नहीं ये भी अच्छी है। तुम्हें वाली पसंद है, तुमको पसंद है वाली? पूछो जाओ क्या देख रही झांक के। ये देखिए फ्रेंड्स 62 लाख की है। तो फ्रेंड्स आ गए, बहुत तेज लगी है भूख, खाएंगे खाना। अस्सलाम वालेकुम। सारा को दिला दिया उसका बर्थडे के, वॉच ली है ये वाली, उसकी चार्ज करने वाली थी। बिना चार्ज के भी होना चाहिए कि कभी कहीं जाओ स्कूल जाओ तो पहन लो। ये देखो कलर भी बहुत अच्छा है, अच्छी है, पसंद होना चाहिए। हाँ उसने पसंद किया। अच्छे ये एक ऐसी रिजल्ट ऐसे पहने हुए है ना, एक ऐसा ये टॉप है गरम वाली उसने लिए, उसने बोला गरम है। और एक ये पूरा सेट है, ये ऊपर का यही बेस्ट अच्छा है ना, ये पसंद किया। हाँ मुझे अच्छा लगा। ये लिप ग्लॉस लाई है, अच्छा ना लिप ग्लॉस। हाँ। तो एक जगह गए थे वहाँ पे किताबों का पूरा एग्जीबिशन लगा था उर्दू की, वहाँ से हम अरे वाली पेटी लाए ऊपर के लिए, क्योंकि एक निकाल लो पढ़ लो। The next day. अस्सलाम वालेकुम मम्मी, ये क्या कर रहे हैं? पूरा किचन की साफ सफाई। ये डेटॉल डाला है? हाँ। और ये क्या है? चने और यहाँ तिल बोलते हैं, इससे कैल्शियम बढ़ता है। ओफो डॉक्टर साहब। हाँ, बताया किसी ने। अकेले जा के जिम कराए, बहुत अच्छा किया, मेरे लिए इंतजार नहीं किया। तो तुम भी चलोगी इंशाल्लाह। वहाँ पे नाचा खाला पता नहीं क्या कर रही है, क्या पैक कर रही हो? अच्छा रात के बासी खाने के पराठे, रात के बासी खाने के पराठे, मेथी के पराठे हैं ये। सब कुछ डाला है, जो रात में सब्जी बची थी वो भी मिला दी है, और ये सब्जी बनी है। तो फ्रेंड देखिए इंस्टाग्राम पर काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्या क्या करना पड़ता है इनको, प्रेस कर रहा है एक, वो पीछे तकिया लगाया खड़ी हुई है। सही तरीके से कर रही हूँ। हाँ ये लैम्प मेरी गैर मौजूदगी में तुमने तोड़ा? मैंने तुम्हें दिखाया कि टूटा है पिछली बार जब आई थी, तुमने तोड़ा? बिल्कुल भी नहीं। सनी लैम्प कैसे टूटा? फ्रेंड्स आज दिन भर ब्लॉग सही से बना नहीं, सब आराम कर रहे थे, बातें कर रहे थे इतनी सारी, और भी भाई का देख लिया झलक, आप सबको भी अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था शिव वाला और उनका, मजा आया। ये कैसे तोड़ दिया तुमने लैम्प? ये मैंने नहीं तोड़ा। रिजा बोल रही है 100% मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि मैंने कब से नहीं बैठा। क्या सबूत? लेकिन उसके पास क्या प्रूफ जो मैंने तोड़ा है? क्या बताया था, सब साथ ही साथ बताया, तुम्हारे पास क्या प्रूफ? हाँ, जो उसने बता दिया। मैं तो तुम्हें से आई नहीं, अगर मैं तोड़ती तो मैं क्यों बताती सामने से? सीआईडी इंस्पेक्टर तुम बताओ किसने तोड़ा? इंस्पेक्टर नहीं, ये तो कोई मुद्रे में तोड़ा। अपनी अपनी सफाई में दो लाइन जल्दी बोलो, ये फैसला लेके जल्दी। अगर मैंने तोड़ा होता तो मैं तुम्हें आके बताती नहीं, लेकिन जो प्रोफेशनल चोर होते हैं वो खुद काम करते हैं, खुद ही बताते हैं। डोरेमोन में सुना है जो प्रोफेशनल चोर होते हैं वो बता के चोरी करते हैं। बिग बॉस की लड़ाई नहीं हो रही है, मैंने करवा दी, डायलॉग दे रही है पहले। शालू भी हमने ऐसे सुना है, सीएम वो बता रहे हैं। इसके ऊपर कौन डोर सकता है बताओ? कुछ नहीं, शालू का सफाई दो, जो सच्चा होता है वो सफाई नहीं देता। इसी बात पे रेहान जी, जो सच्चा होता है वो सफाई नहीं देता कभी। चलो फिर इसे यहीं खत्म करते हैं और देखते हैं अब किसने तोड़ा हो। अम्मी ने तो नहीं तोड़ दिया। हम नाचा खा लोगों को ये बता रहे थे कि कश्मीर लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, जब आप जाओगे ना तो एक्सपीरियंस खूबसूरती, तुम लोग बोलोगे कि अब तक क्यों नहीं आए। अब ट्रेन बनने वाली है इंशाल्लाह, फिर कभी तो इंशाल्लाह सब जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आज पिछले एक घंटे से कश्मीर के लोगों की बस यही बातें कर रहे थे, हम अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहे थे नाजा खाला और अम्मी को। फिर अम्मी को याद आ गई कि जो भोपाल में फेरी लगाने आते थे रफीक भाई, और मैं हमेशा पूछती है तुम कश्मीर गई तुम्हें वो नहीं मिले, पता नहीं कहाँ है। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो प्लीज कांटेक्ट करो, क्योंकि आपको मम्मी बहुत याद करती है। मम्मी आपको किसको मैसेज देना है बता दो? जो हमारे भोपाल आते गए थे, रफीक नाम था, एक का नाम मुझे पता नहीं, उसको याद होगा। तो मेरी बहुत तमन्ना है कि वो मिले कभी में कभी मुझसे। वो बोलते गए थे आंटी तुम जरूर कश्मीर आना, हम तुम्हें सब घुमाएंगे वहाँ खिलाएंगे। और उनको यही पता है कि आंटी बम्बई चली गई है, पता करो तो पता कर सकते हैं वीडियो के उससे। कैसे?
तुम बताओ कैसे कुछ सोच सकते। सनी जैसे बजरंगी भाई मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान गए थे, ऐसे हम लोग को रफीक भाई को ढूंढने कश्मीर जाना पड़ेगा। ढूंढ के लाएंगे हम लोग सनी, जब तक हम भी वहाँ पे रफीक भाई को ढूंढेंगे नहीं, आएंगे नहीं। पहलगाम में रहते हैं ना हम लोग, अम्मी कहा भोपाल में ना फ्रेंड्स हमारा नीचे का घर था, आपने देखा होगा ब्लॉग में, जितने भी लोग आते थे या कोई जरूरतमंद लोग या कोई भी एक बेचारी मतलब क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं उनको, तक अम्मी अपना नंबर देके आई थी, वो मुंबई में कॉल करती थी, लेकिन अम्मी का नंबर चेंज हो गया तो वो सारे लोगों से कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। वो कश्मीरी भाई जो थे वो आते थे एक साल फ्रेंड्स, उसे आते थे फिर वादा करके जाते थे हम जाएगा फिर अगले साल हम आपके लिए अपना अखरोट लेके आएगा, और हम लोग उस वक्त ये बातें इतनी अच्छी लगती थी कि वो कहते थे हमारे घर के सामने अखरोट का पेड़ है, काजू है, सेब है, वहां का सेब इतना अलग है, तो हम लोग बहुत प्यार से सुनते थे। तो फिर अगले साल जब वो आते थे फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर, तो वो लेके आते थे अपनी पसंद की शॉल हमको देते थे सारी चीजें, तो फिर हम यहाँ आ गए। इंशाल्लाह कभी जरूर तुम्हारे शहर हम आएंगे। कश्मीर के लोग वीडियो देखते हैं। हाँ देखते हैं। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। सास सनी का बिस्तर यहाँ पे हो गया, उनके बैग में पेन है। सबा देख रही है अभी मूवी और मेरा हो गया सोने का टाइम, क्योंकि मेरे हो रहा है गर्दन में दर्द। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इंशाल्लाह हम बताएंगे कि मैं कौन सा मुंबई में काम स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार करते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।